हे गाइस, आज की हमारी रेसिपी सब्जियों से भरपूर है एंड ये बहुत ही टेस्टी लगती है एंड प्लस बच्चों को सब्जियाँ खिलाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। सो लेट्स बिगिन विद आवर रेसिपी। हमारी रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं पत्ता गोभी, प्याज, शिमला मिर्ची, गाजर। आपके पास और भी जो सब्जियां हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्वीट कॉर्न, फ्रेंच बीन्स, जो भी आपको पसंद हो। आप बस उसे पतला पतला ग्रेट कर लीजिए या बारीक चॉप कर लीजिए, जो भी हो, बट फाइनली चॉप्ड होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, रेड चिली अराउंड 1 टीस्पून, अ पिंच ऑफ अ टर्मरिक, अ टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ मिक्स्ड हर्ब्स या पास्ता सीजनिंग भी आप यूज कर सकते हैं, 1 टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर, 1/2 टीस्पून ऑफ ऑरिगेनो। इसमें डालेंगे हम अराउंड 1 टीस्पून ऑफ ऑयल, नॉर्मल ऑयल जो आप यूज कर सकते करते हैं। आई विल ग्रेट अ इंच ऑफ जिंजर टू इट। आप चाहे तो आप ग्रीन चिली एंड गार्लिक भी यूज कर सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके रेस्ट होने देंगे ताकि वेजिटेबल्स का पूरा पानी छूट जाए। नमक की मदद से सब्जियों का सारा पानी छूट जाएगा। सब्जियों के कारण बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा एंड बच्चों को ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसे लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में या एज अ स्नैक भी आप बच्चों को सर्व कर सकते हैं। अब हमारी सब्जियों का पानी छूट चुका है, इसमें अब मैं अराउंड 1 कप से थोड़ा कम आटा लूँगी, नॉर्मल व्हीट फ्लो, एंड अराउंड 1/4 कप ऑफ बेसन। आप पूरा व्हीट फ्लो भी यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अब हमें इसे डोसा लगाना है। पहले हम सारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखेंगे हमें कितना पानी की ज़रूरत है। हमें कम से कम पानी यूज़ करना है, इसलिए हमने सब्जियों का पानी निकलने दिया था ताकि उसी से हम डो लगा सकें, बिकॉज हमें कम से कम पानी यूज़ करके एंड कम से कम आटा यूज़ करके एक डो जैसे लगाना है इसका। सो अभी हम इसे मिक्स करते हैं। अभी मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ किया है एंड ये कंबाइन होना चालू हो गया है। सो हमें इसमें अराउंड सिर्फ 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून अराउंड ही पानी लगेगा। मेक श्योर कि आप जब ये बनाएं तभी आप आटा लगाएं, क्योंकि बाद में इसका पानी छूटने पे ये आटा लूज होते जाएगा ना, आपको और आटा ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो आप ये जब ही बनाएं तभी ये आटा लगाएं एंड इसे तुरंत बनाएं। मैंने इसमें अभी तक के एक बूंद भी पानी यूज़ नहीं किया है एंड ये सब्जियों के पानी से ही अच्छा कंबाइन हो गया है। डिपेंड कि आपके सब्जियों में कितना मॉइस्चर है, सो ये आपके सब्जियों पे डिपेंड करेगा, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल का हाथ लगाऊंगी एंड अच्छे से कंबाइन कर लूँगी। अब ये मेरा अच्छे से कंबाइन हो चुका है। अब मैं अपने हैंड्स क्लीन करके, आप इसका छोटा छोटा पोर्शन लें एंड रोल डाउन करके इसे प्रेस करिए एंड मेक श्योर कि आप इसे जितना चपटा हो सके उतना चपटा बनाइए, या आप इसे बेल भी सकते हैं। थोड़े से आटे की मदद से लेकर आप इसको अच्छे से रोल डाउन कर लीजिए। आप थोड़ा सा आटा और स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि आप इसे अच्छे से रोल कर सकें। आपको इसे बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखना है एंड बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है। बहुत ज्यादा मोटा रखेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे अंदर से एंड बहुत ज़्यादा पतला होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये अराउंड मैंने इतना मोटा रखा है। अब इसे मैं एक रिंग की मदद से कट कर लूँगी ताकि ये हमारे बहुत ही सुंदर छोटे छोटे अच्छे शेप के रेडी हो जाएंगे। मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से कट कर लें। आप चाहे तो आप नॉर्मल भी बना सकते हैं, पर मैं इसे क्यूट बनाने के लिए थोड़ा अच्छे से कट कर रही हूँ। अब इसी तरह से मैं अपने सारे रेडी कर लेती हूँ। अब ये हमारे सभी रेडी हो चुके हैं, इसे मैंने पैन में डाल दिया है एंड अब मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक के पका लूंगी। अब हम इसे फ्लिप करके देखेंगे कि बैक साइड से अच्छे गोल्डन हो गए हैं क्या, एंड दे हैव टर्न गोल्डन। सो अब हम इन सबको फ्लिप करेंगे एंड इस साइड से भी क्रिस्पी एंड गोल्डन होने देंगे। ये बहुत ही कम तेल में हमारे अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं एंड ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब ये सभी हमारे बहुत ही अच्छे क्रिस्पी एंड गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकालते हैं।
अब ये सभी हमारे एकदम रेडी हो चुके हैं। इसे हम मेयोनीज के साथ, केचप के साथ, कोई भी चटनी के साथ आराम से सर्व कर सकते हैं। मैं मेयोनीज एंड केचप मिक्स करके इसे सर्व करूंगी। ये मेयोनीज एंड केचप के डिप के साथ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड टेस्टी क्विक रेसिपी। इसे बनाइए एंड जरूर टैग करिए।